आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी विद चिकन करी। तो इसे बनाने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरी दिल की है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों को पता है मैं बहुत टाइम से वीडियो बना रही हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे में व्यूज़ ही नहीं आते हैं, जिसकी वजह से अब काफ़ी मतलब मन में उदासी भी होती है। आप लोग ज़रा सोचिए, इतना टाइम से बना रही हूँ, अब तक व्यूज़ ही नहीं आते हैं तो कैसा लगेगा, जबकि मेरी वीडियो भी बहुत अच्छी होती है, पिछले वीडियो में देख सकते हो। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ पता हो तो बताना ज़रूर। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 kg चिकन को, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। चिकन को नींबू डाल करके धोया है, आप भी नींबू डाल करके चिकन को बहुत ही अच्छे से धो लीजिएगा। 5 से 6 प्याज लिया है, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखा है, जब तेल गरम हो जाएगा तब हम उसमें प्याज को डालेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे ही हमें प्याज को फ्राई करना है। तो बिरयानी बनाने के लिए ना आपको जो भी समय लगता है वो बस इस प्याज को ब्राउन करने में लगता है। एक बार प्याज ब्राउन हो गया, समझिए कि बिरयानी बन गया फटाफट से। तो बिल्कुल इस तरह से जब प्याज का कलर हो जाएगा तो एक टिश्यू पेपर पे हम आधे प्याज को निकाल लेंगे, पूरा नहीं निकालना है आपको, जितना प्याज है उसका आधा निकाल लीजिए। तो बिल्कुल इस तरह से, मुझे नहीं पता और लोग कैसे बनाते हैं, बहुत टिप्स हैं उन लोगों की, बट मैं सिंपल इसी तरह से बनाती हूँ। अब इस जो प्याज मतलब हाफ प्याज को बचाया था ना, उसमें हम चिकन को डालेंगे। फ्लेम को अभी भी मैंने हाई ही रखा है और हाई ही फ्लेम पे हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप मीडियम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगर तेल मतलब मसाला जलने का डर हो, प्याज जलने का डर हो तो। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक जाएगा स्वाद अनुसार। और अब हम फ्लेम को एकदम लो करेंगे और अब इसमें डालेंगे दही को। फ्लेम को लो कर लिया है मैंने, दही को डालेंगे। 1/2 छोटी कटोरी दही डाल रही हूँ, इसे अच्छे से हम चला लेंगे। और अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे ही ढक देंगे। तो 10 से 15 मिनट बाद जब ढक्कन हटाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा आपका चिकन, चिकन के ऊपर पानी पूरा आ जाएगा। तो फ्लेम को फिर से हमें मीडियम कर देना है और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और इसे फिर से 5 से 10 मिनट के लिए ढक देना है। अब फिर से हम ढक्कन हटाएंगे। चिकन पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऑलमोस्ट पक ही चुका है, बहुत ज़्यादा में नहीं पकाना है। तो इस तरह से चिकन पक चुका है और अब हम गैस को ऑफ करेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी चिकन को सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हाफ चिकन को मैं बचाऊंगी क्योंकि मैं बिरयानी के साथ करी को ज़रूर रखती हूँ, चिकन करी को। यहाँ मैंने आधा घंटा पहले चावल 750 ग्राम चावल को पानी से अच्छे से धो करके फूलने के लिए रख दिया था पानी में ही। अब हम इसमें डालेंगे 3 पत्ता, खड़े मसाले में इलायची, दालचीनी, जावित्री, लौंग और बहुत सारा नमक डालेंगे। तो 4 से 5 चम्मच नमक डाला है मैंने। और जब इसमें उबाल आ जाएगा ना तो सारे खड़े मसाले को हमें निकाल लेना है। और अब हमें गैस को ऑफ करना है। एक कुकर लिया है मैंने इस तरह का और इसके ऊपर हम चावल को रखते जाएंगे। तो चावल को ज़्यादा नहीं, बस 4 से 5 मिनट के लिए ही मैंने गैस पे रखा था। और अब जो प्याज को हमने फ्राई किया था ना, चावल के ऊपर इस तरह से रखेंगे, हरी मिर्च को रखेंगे, नींबू का रस जाएगा इसके अंदर, चिकन मसाला जाएगा। अब इसके अंदर जाएगा बिरयानी मसाला, तो 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ इसमें मैं बिरयानी मसाला। फिर से इसके अंदर जाएगा चावल,
तो इस तरह से फैला फैला करके, जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ना, ठीक उसी तरह से आपको डालने हैं। फिर से प्याज को डाल रही हूँ, फ्राई किए हुए हरी मिर्च को, चिकन मसाला को 2 से 3 चम्मच, बिरयानी मसाला, नींबू का रस, और फिर से चावल को। तो अब सारे चावल को इस तरह से मैं फैला दे रही हूँ, और ये जो पानी है ना, इसको हम डालेंगे इसमें। तो पूरा पानी को नहीं डालना है, बस एक छोटी वाली जो कप होती है ना, टी कप, उससे 1 कप आपको डालना है इसमें। कलर डाल रही हूँ और बस अब हमारा काम हो गया। बहुत ही इजी ट्रिक से बस ऐसे ही मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, कोई मेहनत नहीं है इसे बनाने में। एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे और एकदम लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे। बीच में अगर 1 सीटी आ जाए ना, तो गैस ऑफ कर दीजिएगा। तो 1 सीटी आ गया था, 5 मिनट के ही अंदर आ गया था 1 सीटी, और उसके बाद से 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया था। और अब देखिए ये चिकन बिरयानी बन करके बिल्कुल रेडी है। तो थोड़ा सा ना इसमें मुझे स्मोकी फ्लेवर डालना है, तो इसके लिए मैं कोयला ले रही हूँ, और इस कोयला को हम गैस पे इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद से इसे एक कटोरी में रखेंगे और इसमें ना देसी घी थोड़ा सा डाल देंगे, और बस इस कटोरी को ना हम बिरयानी के बीचों बीच रख देंगे, और 2 से 3 मिनट के लिए हम फिर से इसे ढक्कन लगा देंगे। 3 मिनट बाद ढक्कन हटा रही हूँ और कटोरी को हटा लेंगे हम इसमें से, और बस ये बिरयानी बिल्कुल रेडी है। गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत अच्छी स्मेल आएगी, टेस्ट तो पूछिए मत। आप खुद बनाइएगा, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह से एक सर्विंग प्लेट में निकाल लीजिए। तो इसे सर्व करने के लिए मैंने ये चिकन मसाला जो बचाया था उसके साथ सर्व कर रही हूँ। सलाद, रायता, आप जो भी बनाए हो उन सब के साथ आप सर्व कीजिए, लेकिन इसी तरह से आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। और अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो में ऐसी क्या ख़राब लगी, आपको क्या ख़राब बात लगी जिससे मेरे वीडियो में व्यूज ही नहीं आते हैं। जब व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो मुझे पता कैसे लगेगा कि लोग मेरी वीडियो को पसंद कर भी रहे हैं या नहीं।